मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पर रोड पर भी जो गाड़ियाँ हैं, रोड पर भी जो चीजें हैं वो जलाई गई हैं, और ये जो पूरी की पूरी भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, वो जब यहाँ लगभग आधे घंटे पहले आगे बढ़ी और उसके बाद जो है क्योंकि तब पुलिस जो है वो लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई थी कि वो मान जाएं और इस तरीके का प्रदर्शन न करें, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो भीड़ थी, उनके हाथों में लाठी थी, डंडे थे, उनके हाथों में जो स्टील की रॉड थी, ये तमाम चीज़ें उनके हाथों में थी, और जो भीड़ थी वो इस तरफ में महाराजगंज जो मार्केट है उस तरफ में बढ़ी और उसके बाद जो है ये चीज़ें हुई। हमारे सहयोगी की बहराइत से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, और देखिए किस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है। लोगों का गुस्सा जो है वो इस आगजनी, इस तोड़फोड़ के जरिए सामने आ रहा है, जहां शोरूम से लेकर गाड़ियों से लेकर अस्पताल तक को नहीं छोड़ा जा रहा, अस्पताल तक को निशाना बनाया गया। लखनऊ सेवा अस्पताल आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो गुस्साई भीड़ थी वो घुस गई और यहाँ पर तोड़फोड़ और आगजनी की। इस बीच आपको बताते हैं कि बहराइच में हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। बहराइच के हालात पर सीएम योगी ने एक बैठक की है। बैठक में डीजीपी प्रशांत किशोर समेत उत्तर प्रदेश के बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बहराइच के हालात की जानकारी ली और जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों को बहराइच भेजने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। लखनऊ से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने के निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद हैं। जरा वीरेश से जानते हैं डिटेल में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये जो बैठक आला अधिकारियों के साथ जिसमें डीजीपी भी मौजूद थे, उसमें क्या तय पाया गया बहराइच के हालात को नियंत्रित करने के लिए? वीरेश, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने आज बड़ी और गंभीर बैठक की है लखनऊ में अपने आवास पर, जिसमें डीजीपी प्रशांत कुमार और अमिताभ यश जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसटीएफ के भी चीफ हैं, एटीएस के भी चीफ हैं, उनके साथ और साथ ही साथ मनोज सिंह जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद थे, एसीएस होम दीपक कुमार के साथ, यानी कानून व्यवस्था के सारे वो अलंबरदार जो यूपी की कानून व्यवस्था पर नजर रखते हैं उनके साथ एक अहम और बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की हुई है। मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से बड़े अधिकारियों का दल भी बहराइच भेजा जाएगा। कानून व्यवस्था के मद्देनजर डीजीपी ने जो बात की है वृंदा शुक्ला जो एसपी है बहराइच की उनसे, और कानून व्यवस्था के मद्देनजर मनोज सिंह जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने जो वहां के जिलाधिकारी से बात की है, वो सारी रिपोर्ट के साथ अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद में उन्हें तलब किया था और फिर अधिकारियों ने वो सारी रिपोर्ट, सारी सिचुएशंस और परिस्थितियों से अवगत कराया मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की सारी बातों को सुनने के बाद निर्देश दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो आला और बड़े जो अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं लखनऊ से, उन्हें बहराइच में भेजा जाए। बहुत शुक्रिया आपका वरिष्ठ पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, जो दंगाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं, और अगर जरूरत पड़े तो फिर आला अधिकारियों को भी लखनऊ से बहराइच भेजा जाए, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया। और इस बीच बहराइच में इंटरनेट बंद किया गया है। देखिए इंटरनेट के माध्यम से वो अफवाहें जिनका दौर गर्म होता है और उसी पर रोक लगाने के लिए फिलहाल बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद की गई। बहराइच में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद करने का ये फैसला लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस समय मौजूद हैं, उन्हीं से जरा जानते हैं विवेक, अफवाहों पर रोक लगाने के लिए ये इंटरनेट सेवा अभी के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा पिछले दो घंटे में जो बहराइच की स्थिति है वो किस तरीके से उग्र हुई, भीड़ जो है पूरी उग्र तौर पर वो सड़क पर उतरी और उसने जो है कई जगहों पर आगजनी की घटना की और इसके वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। इसी बीच जो बहराइच का जो महसी क्षेत्र है वहां पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए जो इंटरनेट की सेवाएं वो बंद की गई है। यहाँ के जो कप्तान है वृंदा शुक्ला, उन्होंने न्यूज से बातचीत में इस बात को कहा है कि थोड़ी देर के लिए जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो अभी फिलहाल रोकी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में थी और लोग काफी ज्यादा उग्र थे, इसलिए पुलिस ने पूरी सूझबूझ के साथ लोगों को हटाने की आपसे कोशिश की है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आगजनी की घटना हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियां हैं वो जलाई गई हैं, किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि तकरीबन 7 से 6 जगहों पर पिछले दो घंटों में यहाँ आगजनी की जो घटना है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में हुई है और उस कारण जो है बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, 10 थानों की फोर्स के साथ साथ लगभग 8
जो पीएफसी की कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के किसान है, यहाँ के जो कमिश्नर है, यहाँ के जो डीएम है, वो सभी लोग मौके पर आए थे। उन्होंने पूरा मौके का जो मुआयना है वो किया है और पूरे यहाँ पर फ्लैग मार्च करते हुए वो लोग आगे की तरफ निकले। मैं आगे आपसे और विस्तार से जानकारी लूंगी हालात के बारे में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। हम ABP News आपको रखे आगे।